الحمد لله الحمد لله الذي هدانا صبا الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معارج الهك بالتحقيق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساسا لعلم الحلال والحرام وصيرها مؤثقة بالبراهين والدلائل ومؤشهة بالهلي والشمائل والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين وأيد العلماء بالأيد المتين ورفع درجاتهم في أعلى الليين وشهد لهم بالفلاح واليقين وعلى آله واصحابه الهادين المهتدين وطابئهم وطابئهم وطبئهم من الائمه من الائمه المجتهدين باب العلم انواريا اكيوكيشنل سوسايتي بوجاميا انواريا حيدر اباد انديا کے زیر اہتمام اصول فقه کی مشہور و معروف كتاب نور الانوار का दर्स शुरू करने का शर्फ हासिल करता हूँ अब्तदाउ मिन्नी वमात मिन कराम की सुन्नत पर अमल करते हुए ज़रूरी समझता हूँ कि साहिब किताब के पहले मुख्तर हालात पेश करने की सदत करूँ वाज रहे किताब शरह है किताब नूरल अनुार शर है मनार की साहिब यानी किताबुल मनार, साहिब तसानिफ़ कसीरा हैं مختصرا نعم كا حافظ حافظ الدين ابو البركات عبد الله بن احمد نصفي متوفى سن 710 هجري ينور الانوار मतन यानी किताबुल किताबुल मरार निहायत नाफ़ी मतले मतीन है जिसकी कई शुर्रा ने शर की है उन्हीं शुरुआत में से शुरुआत में से एक नूरुल अनवार भी है साहेब नूरुल अनवार। नामो नसब आपका नाम अहमद है और वालिद का नाम अबू सईद मुला जीवन से मशहूर हैं सिलसिला नसब यूँ हैं अहमद बिन शेख अबू सईद बिन अब्दुल्ला बिन शेख अब्दुलरजाक बिन शाह मखतूम आखिर में आपका नसब शरीफ सही दिन हज़रत अबू बकर से वस्तः है सुकूनत आपके दादा अब्दुल्ला के जद्द अमजद मखदूम खासा जो शेख सलाहुद्दीन दहलवी की औलाद से हैं कस्बे अमेठी के मशहूर बुज़ुर्गों में से थे दिल्ली से मुंतकिल होकर कस्बा अमेठी में एक आमद पजीर हो गए थे मुल्ला जीवन उसी कस्बे अमेठी में पैदा हुए सन्न पैदाइश तकरीब एक हज़ार अड़तालीस हिजरी है तहसील उलूम सात साल की उम्र में कुरान पाक हिफ़्स किया फिर तहसील व फ़नून में मशगूल हुए और पूरब के मुतफर्रिक़ कस्बात में रहकर फज़लाए असर से इस्फ़ादू किया दरसियात में से अक्सर कुतुब शेख मोहम्मद सादिक से पढ़ी आखिर में मुल्ला लुत्फुल्ला जहानाबादी से संद फरागत हासिल की तहसील अलूम से फरागत के बाद मसंद तदरीस को जीनत बख्शी और अपने वतन में दर्स देते रहे हाफ़ज़ा व सदगी मिजाज आप नहायत सादा वज़ ग़रीबोत तबाह मुनकसरमिजाज मिलनसार और रस्मी तकल्लुफ़ात से कतअ बेगाना और औरत हाफ़ज़ा में ये गाना थे दरसी कुतुब की इबारतों के पूरे पूरे को सफ़ात हिफ्स और बड़े बड़े गशीदे एक मरतबा सुनने से याद हो जाते थे शाह आलमगीर मुल्ला जीवन अहमा के सामने चालीस साल की उम्र में अजमेर शरीफ होकर दिल्ली पहुँचे और यहाँ काफ़ी मुद्दत तक एक की और दरसो इफादा का मशगला जारी रहा कशिश ताले ने आपको शहाबुद्दीन शाहजहाँ बादशाह तक पहुँचाया शाहजहाँ ने आपको औरंगज़ेब आलमगीर की तालीम के लिए मुक़रर किया और आलमगीर ने आपके सामने जानवे तलम तह किया और फिर उम्र भर हद से ज़्यादा एजाज़ो इकराम करता रहा इसी तरह शाह आलम खलफ आलमगीर आपके सामने लवाज़म तक्रीम बजा लाता रहा ज़ियारत हरमैन शरीफ़ैन पचपन साल की उम्र में हरमैन शरीफ़ैन हाजिर हुए यहाँ भी एक मुद्दत तक इकामत की और ज़ाहरी वातनी फ्यूज बरकात से मालामाल हुए चार पाँच साल के बाद वापस होकर बिलादे दक्कन में सुल्तान आलमगीर के साथ छः साल गुजारे सन ग्यारह सौ बारह हजरी में फिर हरमैन शरीफेन की हाजरी दी एक साल अपने वाल माजिद की तरफ से दूसरे साल वाल माजिदा की जानब से के हज अदा किए और सही है इनका दर्स नहायत तहक़ीक के साथ मुराज अति कुतुब व शुरू के बगैर दिया तस्व सलूक सन ग्यारह सौ सो सोलह हजरी में हिंदुस्तान वापस आकर अपने वतन में दो साल क्याम किया उस जमाने में तरीके सलूक को तसूफ़ की तरफ ज़्यादा तवज्जो फरमाई और हजरत शेख यासिन बिन अब्दुर्रज़ाक कादरी से खिर खिलाफत हासिल किया फिर अपने अहबाबों मुरीदीन के साथ दिल्ली तशरीफ़ लाए और इफ़ादा में मशगूल हुए दुनिया से रहलत आपने सन 1130 हिजरी में इकबाल ये कहते हुए आह इस आबाद वीराने में घबराता हूँ मैं रुखसत ए बज़मे जहाँ सूए वतन जाता हूँ मैं काकाशा ने फिरदौस को नशीमन बनाया पचास रोज़ के बाद नाशी मुबारक दिल्ली से अमेठी ले जाकर आपके मदरसे में दफन की गई इल्मी कारनामे आपने पूरी ज़िंदगी दरसो तदरीस और तसनीफो तारीफ में सर्फ़ की असूल फिक में नूरुल अनवार नूरल आपकी ज़िंदा यादगार है जिससे दुनिया का बच्चा बच्चा बखूबी वाकिफ है ये किताब आपने मदीना मुनव्वरा के क्याम के दौरान सिर्फ दो माह के अंदर लिखी नीस हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान के मौजू पर अहमदिया तफसरातलदिया बयानआयातरिया मै तालिफ़ात मसाइल्फ़िया आप ही ने तारीफ़ की जिसमें कुरान मजीद की कमो बेश पाँच सौ आयात की तशरीह व तोज़ी हनफी नुक़ निकाह से की और लुफ ये है कि ये मौसू की दौर तलब इलमी की तसनीफ़ है जैसा कि खात्म किताब में खुद मौसू ने साल तकमील व तसनीफ़ बयान करते हुए कहा है कि मैंने आयत मैंने आयात शरीफा की तफसीर अमेठी शहर में लिखना शुरू की थी ये सन दस सौ चौंसठ का वाक़ है जब मैं होसामी पढ़ता था और सोलह बरस का था सन एक हज़ार उनहत्तर में बलद मस्कूर में उससे फरागत पाई उस वक्त में शर मताले पड़ता था और कारवाली उम्र इक्कीसवीं मंजिल तय कर चुका था तय कर चुका था कुछ ज़माने के बाद एक हज़ार पचहत्तर हिजरी में अमेठी के अंदर दर्स के ज़माने में नज़र षानी करके उसकी सेहत उसकी उसकी सेहत की उस वक़्त में सत्ताईस साल का था बसमी वाज़ रहे कि ये तस्मिया जो सरे वर्क़ आप देख रहे हैं ये मुनफ़ यानि मनार की तरफ़ से है ये तो आप सुन ही चुके हैं कि नूरुल अनवार किताबुल मनार की शरह़ है तो ये तस्मियाँ मनार की तरफ़ से है और शारह यानी साहिब नूरुल अनवार ने इसी पर इतफ़ा किया इसी तस्मिया पर इतफा किया बाद तस्मिया के किताबुल मनार में हमद है मगर वो हमद नहीं जो आपको पहले सफ़े में नज़र आ रहा है यानी अलहदल्ल लजीज़ असूलफिक मबन लर्यम ये नहीं बल्कि किताबुल मनार में ये हमद है अलहदल लजी हदाना इअसरामस्तीम ये हमद है तो किताबुल मनार में इस तरीक़े से है रहीम इब्त इस तरीके से है किताबुल मनार की बिसमिल्लानरहीम आहमदल लज़ी हदा मुस्तकीम। पहली बात पहला जो हमारा दावा था कि ये तस्मिया मुसन का है यानी साहिब मनार का है ये तस्मिया और शर ने उस पर इतफ़ा कियाफ़ा किया इस दावे की दलील शर्े की ये इबारत कालमसनफ़ बदमात मनब तस्मिया मुसनफ़ ने तस्मिया से बरकत हासिल करने के बाद फरमाया क्या फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तो तस्मिया से बरकत हासिल करने के बाद ये सही है इस बात में कि इब्तान जो तस्मिया देख रहे हैं वो मुसनफ़ का तस्मिया है तो सवाल ये कि शर की तरफ से तस्मिया क्या है इसी पर शर ने इतफ़ा किया हाँ हमद को इन्होंने चेंज किया बहरहाल तस्मिया और तहमीद को साहिब मनार भी किताब के शुरू में लाए हैं और और साहिब नूरुल अनवार भी तस्मिया और तहमीद को अपनी तरफ से किताब में लाए हैं तस्मिया में तो इक्फा किया मुसनफ़ के तस्मिया पर और तहमीद तो तहमीद जहाँ तक बात है तो हम दो इन्होंने अपने अपने अल्फाज में पेश किया है और उनके अल्फाज इस तरीके से हैंदल लज़ीज़ अल ऊसलफ़िक बहरहाल मुसनफ़ और शारे दोनों ने अपनी किताब को बसमिल्ला और अलहदुल्ल से शुरू किया सवाल ऐसा क्यों किया तस्मिया और तहमीद से मैं लंबी गुफ्तु नहीं करूँगा बस ये बात किताब के इब्ता में ज़िक्र की जाती है इसलिए बहुत तेज़ी से जिक्र कर रहा हूँ एक दो जुमले बस तो मुसनफ़ और शायर ने अपनी किताब की इब्तदा की किसे तस्मिया और तहमीद से क्यों इतबा अन बैरकाम क़लाम की इतबा करते हुए क़लाम की इतबा में क़लाम, अल्लाह की किताब कुरान मजीद कुरान करीम है उसकी इब्तदा तस्मिया और तहमीद से है दुनिया का भी तरीका यही है कि दुनिया कामिल की पैरवी करती है और दुनिया किताब में कामिल कुरान करीम है कुरान मजीद है तो उसकी पैरवी में मुसनफ़ और शारे ने अपनी किताब की इब्तदा की तस्मिया और तहमीद से नीस तस्मिया और तहमीद से अपनी किताब को इसलिए भी शुरू किए कि अनाम की हदीस पर अमल हो जाए यानी अनाम की हदीस पर अमल करने के लिए अपनी किताब को शुरू किए तस्मिया और तहमीद से अनाम की हदीस हदीस में है कुल ज़ी बालिन लमयुबा फ़ी है बेसमिल्ल फ़ो अक्ता हदीस में है कुल ज़ि बालिन लमयुबा फ़ी है बमदिल्ला फ़ो अक्तर आओ कमाकाल नबीी करीम अलैहि वसल्लम तो इन दोनों हदीस परम करने के लिए क्योंकि दोनों हदीस का दोनों हदीस का तकाजा ये है कि कि अच्छे काम की इब्तिदा तस्मिया और तहमीद से हो तस्मिया और तहमीद से हो इन दोनों हदीस पर अमल करने के लिए इन्हों, इन्हों का लफ्ज़ साउथ इंडिया की ज़बान में है नॉर्थ इंडिया वाले को भी एक आध लफ्ज़ साउथ इंडिया का सुनना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त मैं साउथ इंडिया में हूँ तो इन्हों शुरू किए तस्मिया और तहमीद से क्यों हदीस पर अमल करते हुए हदीस पर अमल करने के लिए ये सवाल आप मत पूछिए बहुत पुराना है कि तस्मिया और तहमीद की हदीस पर अमल करना मुमकिन नहीं है क्योंकि दोनों हदीस का तकाजा ये है कि तस्मिया की हदीस का तकाजा यह है कि इब्ता मुझसे हो तहमीद की हदीस का तकाजा ये है कि इब्ता मुझसे हो तो इसके एक जवाब में एक तो हम ये कह सकते हैं हाँ दोनों हदीस में इब्तदा का लफ्ज़ आया है मगर तस्मिया के हदीस में जो इब्ता है वो हकीकी पर महमूल है और तहमीद की हदीस में जो इब्ता है वो इजाफी उर्फी पर महमूल है या दोनों में उर्फी पर महमूल है और जब ऐसा है जब ऐसा है तो दोनों हदीस पर अमल करना कुछ भी मुश्किल नहीं है और दोनों हदीसों में कुछ भी तारज़ नहीं है रही बात यह कि हमने जो ये कहा कि इब्ता तस्मिया की हदीस में हकीकी पर और तहमीद की हदीस में इजाफी याफी पर महमूल है ये जो मैंने अर्ज़ किया उसकी वजह यह है कि चूंकि तस्मिया से मकसूद बसमीम से मकसूद ज़ात का जिक्र करना और तहमीद से मकसूद सिफात का जिक्र करना और ज़ात पहले होती है सिफात बाद में होती है जात पहले होती इसलिए इसलिए तस्मिया की हदीस में इब्तदा हकीकी पर और तहमीद की हदीस में इब्तदा इजाफ़ी याफी पर महमूल है तो दोनों हदीस में कोई तारुज नहीं है दोनों पर अमल करने में कोई दुश्वारी नहीं है या यूँ कहा जाए कि दोनों ही हदीस में इब्तदा महमूल है इब्तदाई पर इब्तदी का मतलब ये मकसूद से पहले तो दोनों हदीस का तकाजा ये है कि मकसूद से पहले तस्मिया और तहमीद होना चाहिए और ज़ाहिर सी बात है मकसूद से पहले तस्मिया और तहमीद है तो दोनों हदीस के दरमियान कोई तारुज़ नहीं है और इन दोनों पर अमल करने में कोई दिक्कत नहीं है तो इन दोनों हदीस पर अमल करने के लिए अमल करने के लिए मुसनफ़ अमल करते हुए मुन्फ़ारे ने अपनी किताब की इब्ता तस्मिया और तहमीद से की बिसमी अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो इंतहाई मेहरबान रहम वाला है अगर इसका तर्जमा यूँ करें तो कोई का नहीं है इंतहाई मेहरबान रहम वाले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ अब ये तर्जमा जो मैं किया आप बहुत कम इस दूसरे तर्जमे को सुने होंगे पहला तर्जमा तो सुनते रहे होंगे मगर कम सुनना ये सही है कम सुनना मगर मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि दूसरे तर्जमे में कोई कबाहत नहीं है कोई कबाहत नहीं है ठीक है और लोगों ने और तर्जमा किया वो भी सही है ये भी सही है रह गई बात ये कि हमने जो यूँ तर्जुमा किया इंतहाई मेहरबान रहमान इतहाई मेहरबान इनके मफदात पर मैं गुफ्तगु नहीं करूँगा रहमान इंतहा मेहरबान रहीम मेहरबान रहम फरमाने वाला इतहाई मेहरबान रहम वाले अल्लाह के नाम से शुरू इस तरीके जो मैं तर्जुमा किया वजह यह है कि देखिए बसमिल्ल रहीम अरबी ज़बान का एक जुमला है जाहिर सी बात है जब ये अरबी ज़बान में है तो तो अरबी जबान का जुमला है तो इस जुमले में अरबी ज़बान के कवायद की ज़रूरी है हमारे जबान के कवायद की रायत ज़रूरी नहीं है और अरबी ज़बान का क़ायदा क्या है मौसू पहले सिफत बात में वलदा साल रजुलसाल तो ये साले वलद और रजुल की सिफत है तो अरबी ज़बान का कायदा मौसू पहले सिफत बाद में बिसमानी रहीम अरबी ज़बान का एक जुमला है तो ज़ाहिर सी बात है उसी के कानून की पाबंदी होगी तो ये तो अरबी ज़बान का कायदा है और मैं तर्जमा उर्दू ज़बान में कर रहा हूँ और हमारी ज़बान में हमारी ज़बान का कायदा ठीक मौसू सिफत में अरबी ज़बान के बिल्कुल मुख्तलफ है कि उर्दू ज़बान का क़ायदा क्या सिफत पहले मौसू बाद में ऐसा नहीं बोलते हैं लड़का अच्छा ऐसा बोलते हैं अच्छा लड़का ऐसा नहीं बोलते घर अच्छा बल्कि ऐसा बोलते हैं अच्छा घर तो चूँकि हम तर्जमा उर्दू ज़बान में कर रहे हैं और उर्दू जबान कायदा ये है कि सिफत पहले मौसू बाद में तो ज़ाहिर सी बात है जब तर्जुमा उर्दू ज़बान में कर रहे हैं तो हमें उर्दू ज़बान के कायदा को अपने सामने रखना पड़ेगा और उर्दू ज़बान में सिफत पहले होती तो जाहिर सी बात हमारी अपनी ज़बान में जब तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह के तर्जुमे से पहले तर कायदा के मुताबिक रहमान और रहीम का हमें तर्जा करना चाहिए इसलिए इस ज़बान के कवायद के मुताबिक ये तर्जुम मुझे बेहतर नज़र आता है बेहतर नज़र आता है कौन सा तर्जुमा इंतहाई मेहरबान रहम वाले अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ मैं ये नहीं कहता कि वो तर्जमा गलत है मगर मुझे चूंकि उर्दू जबान में कर रहा हूँ इस जबान के कायदा के मुताबिक ये तर्जमा बेहतर नज़र आता है इसलिए मैं ये तर्जमा भी आपके सामने रख दिया بسم الله الرحمن الرحيم انتهى مهربان الله و مهربان رحم والے. الله كي نام سے شروع کرتا ہوں. الحمد لله الذي جعل اصول الفقه مبنى للشرائع والاحكام واساسا لعلم الحلال والحرام وصيرها موثقه بالبراهين والدلائل ومؤشره بالهلي والشمائل والصلاه والسلام الى اخره तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने ूल फ़िक को जिसने ूल फ़िक को शराय और अहकाम का सरचश्मा बनाया बिल्लिसान अल-जमील अख्तियारी ने मतन का नाव गा ला अल्लाह अल्लाहसा अल्ला वाजबिल वजूद सिफ़ात कमाल हमद अल्लाह के लिए है ये एक दावा है और दवा ब गैर दलील के गैर मकबूल होता हम कहेंगे ये दावा भी है और ये दलील भी है इसी दावा के साथ दलील है यानी हमद अल्लाह के लिए है ये दावा और इसी में दलील है क्यों क्योंकि अल्लाह किसे कहते हैं मुस्तमिलजमियफात कमाल को हमद अल्लाह के लिए है क्यों इसलिए कि वो तमाम सिफात कमालिया की जमी है तो ये दावा भी है और ये दलील भी है अलग से दलील की जरूरत नहीं है इसको शक्ल अव्वल के अंदाज़ में तरतीब दे के आप यूँ कह सकते हो कह सकते हैं अहमद बिन सिफातिल कमाल हमद सिफात कमाल में से है और सिफ़ात कमाल मुनसर है उसके हक़ में जो तमाम सिफात कमालिया की जामे है तो नतीजा निकल कर के आएगा हमद मुनहसिर है उसकी हमद मुनहसिर है उसके हक में जो तमाम सिफ़ात कमालिया की जामे है। तो है है कमाल हैं और वो अल्लाह है यानी अलहमद नवी जबान में बोलना चाहे तो हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये दवाबाद दलील है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह में अल्लाह पर महमूद होने का हुक्म लगाया गया अल्लाह पर और अल्लाह किस चीज़ किसका किस हस्ती का नाम है उस हस्ती का नाम है जो तमाम सिफा कमालिया की जामे है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोला जाना गोया कि यूँ है अहमदिल्लामस्तजमिल जमा जमी सिफातिल कमाल आखिर हमद किस के लिए अल्लाह के लिए जो तमाम सिफात कमालिया की जामी है तो यहाँ पर हुक्म लग रहा अल्लाह पर जो एक सिफत इस सिफत इसतमा से मौसू है और हुक्म अलशे बे सिफत ये हुक्म इस बात को बताता है हुक्म ऐसी चीज़ पर जो किसी सिफत से मुक्स है ये इस बात को बताता कि सिफत उस हुक्म की इल्लत है जैसे अक्रम तो ज़ैदन आलिमन में जैद पर मुकरम होने का हुक्म है जो ज़ैद एक सिफत सिफत इल्म से मौसूफ़ है तो ये हुक्म इस बात को बता रहा है कि जैद मुक़रम है क्यों इसलिए कि आलिम है तो हमद अल्लाह के लिए है जो तमाम सिफ़ात कमालिया की जामे है तो अल्लाह पर महमूद होने का हुक्म लग रहा है जो सफ़ात कमालिया जो तमाम सफ़ात कमालिया से जाम है जो मुतसफ़ है इसतजमा की सफ़त से और हुक्म अशैल मौसूफ़ वफ़त इस बात पर डाल होता कि सिफत उस हुक्म कीत हैल्ल है, इलत है। तो नहव के इस जबते के मुताबिक भी अल्हम्दुलिल्लाह ये दावा भी है दलील भी है यह हमद अल्लाह के लिए है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए क्यों इसलिए कि वो तमाम सफातें कमा की जामे हैं तमाम सफातें कमा की जामे हैं तो नहवी कायदा से भी ये नहवी कायदा की रोशनी में भी ये दावा बिला दलील नहीं है दावा बदलील है अलहमदल् हिलमस्तजमें

माप्तनी अलैहे गैर हो असल उसको कहते हैं जिस पर दूसरी चीज़ की बुनियाद हो जैसे जेदार असल है शखफ़ के लिए क्योंकि सख्फ की बुनियाद जेदार पर है तो असल उसे कहते हैं जिस पर किसी दूसरी चीज़ की बुनियाद हो तो असल बोला जाता है लगत में उस पर जिस पर किसी दूसरी चीज़ की बुनियाद हो जैसे कि छत की जीदार पर बुनियाद होती तो देदार दीवार छत के लिए असल है इसी तरीके से असल का लफ्ज़ राजह पर भी बोला जाता है बता चुका हूँ असल असूल फ़िक ये जमा है असल की और असल का इतलाक़ एक उस माने पर होता और असल का लफ्ज़ किस पर बोला जाता है राजह पर भी बोला जाता है जैसे कि कहा जाता है अल फिल इस्तेमाल अल हकीका इस्तेमाल में असल हकीकत है तो यहाँ पर असल किसके माने में है राजह के माने में है इसी तरीके से असल का लफ्ज़ कायदा पर भी बोला जाता है कायदा वो वज़ी कुलिया है जिससे उसके मौजू के तमाम जजियात के अहकाम की मार्फत हो जाए असल कायदा वो कजियय कुलिया है जिससे उस कज़िय कुलिया के मौके के तमाम जजियात की मार्फत हो तो समात फरमाया कि असल उस चीज़ पर भी लगत उस चीज़ पर लगत में बोला जाता है जिस पर दूसरी चीज़ की बुनियाद हो इसी तरीके से असल राज पर भी बोला जाता है और असल कायदा <deskling> तो पर भी बोला जाता है जैसे कि कहा जाता है असलुम असलुमिन नहव बोला जाता है फाइल मरफू है ये नौ की एक असल है असलमिन नह नौ के असूल में से एक असल है यानी कायदा है क़ानून है तो असल का लफ्ज़ कायदा और क़ानून पर भी बोला जाता है इसी तरीके से असल का लफ्ज़ दलील पर भी बोला जाता है असल का लफ्ज़ किस पर बोला जाता है दलील यानी मालूम तस्दीक किया जो मजहूल तस्दीक तक मसलर हो असल का लफ्ज़ दलील पर भी बोला जाता है समझ रहे हैं जैसे कि बोला जाता है क्या बोला जाता है कि आतज़ात असल वजुब जकवात आतु जकवात वजूब जकवात की असल है दलील है तो असल का अलाक़ दलील पर भी असल का इतलाक़ होता है इसी तरीके से असल का लफ्ज़ मुस्तहब पर भी बोला जाता है जैसे कि बोला जाता है तहारतुल्मा असल तो ये तो लफ्ज़ असल पर गुफग थी असल पर क्यों गुफ्तगु हुई फ़िक जो जमा है ओल ओसूल फ़िक में ूल जमा है असल की और असल के ये तमाम मानी हैं जो आपने समात फरमाया फ़िक फ़िक किसका नाम है अहकाम शर्या फ़र इया बलफ़ दिगर अहकाम शर्या अमलिया को उसकी तफसीली दलील से जानना उसकी तफसीली दलील से जानना अल्माबिलहकाम शरयतल फ़र्या अनअिलह तफसीलिया ये है फ़िक का माना तो ये जो आपने सुना असूल फ़िक असल लफ़ असल के मानी और फिक के मानी ये हद इजाफी रही उसूल फिक की उसूल फिक की ये हद इजाफी रही क्योंकि आप देख रहे हैं उसूल फिक उसूल फिक नूरुल अनवार उसूल फिक की किताब है ये ूल फ़िक मरक्ब है मुजाफ़ और मजाफ अले यानि ओल और फिक से तो मुजाफ़ की भी तारीफ़ कर दी गई मज़ाफ अले की भी तारीफ़ कर दी गई ये है ओल फ़िक की हद इजाफी हाँ फिक क्या है फ़िक के अदिल्ला हैं फिक के दलाल हैं और वो क्या है किताब है सुन्नत है किताब किताबुल्ला, असूल फ़िक में किताब मुतलकन बोली जाए तो मुराद किताबुल्ला, तो फ़िक के असूल फ़िक फ़िक के अदिल्ला वो क्या किताब यानी किताबुल्ला, सुन्नत सुन्नत रसूलुल्लाह इजमाए उम्मत इजमाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्यास कहते हैं ोल फ़िक यानी फिक़ के अदिला और वो क्या है किताब है किताब सुन्नत इज्माए उम्मत और क्यास है तो आपने ूल फ़िक की हद इजाफी आपने ोल फ़िक की हद इजाफ़ी समाप्त फरमाया अब आपको असूल फ़िक की हदल लकबी भी समात फरमानी है और उसकी हदल लकबी असूल फ़िक की हदल लकबी वो ये है कि ऐसे कवायद के जानने का नाम है उन कवायद के इल्म का नाम है जिनके ज़रिए फ़िक तक पहुँचा जा सके इल्म बवाद यु तवसल बिहाफिक ये है हैसूल फ़िक की हदल लकबी इस अतबार से कि किसो फ़िक एक ख़ास इल्म एक ख़ास फ़न का नाम लकब है फिक की हदल लकबी है और और वो ये है इम कवाद युतवसल बिहाफिक़ तो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने फिक को शराय का सरचश्मा बनाया सरचश्मा बुनियाद मबना ये शरीयत की जमा है शरीयत किसे कहते हैं हियत है तरीकतुल महमूदतलमौजुआ इलाही सायक लिजबिलक़ूल अल, अल अख्तियार बिलमहमूद बजात बिल शरीत अल्लाह रब्ल की तरफ से वज़ह किया गया वो सतूदा रास्ता है जो अरबाब अक्ल को ख़ैर बिजात के अपनाने ख़ैर बेज़ा के अपनाने पर उभारता है शॉर्ट में अल्लाह की तरफ़ से वज़ह किया गया सतूदा रास्ता वो शरीयत है मुराद यहाँ पे मबन शरा मबन लिस शर्य से यहाँ पर तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने ूल फ़िक को शराय के लिए बुनियाद बनाया सरच्मा शराब बनाया शर्य से इस जग मुराद मशरूआत यानी असूल और अहकाम अकायद और अहकाम यानी कहना ये चाह रहे हैं अल्लाह की हमद है इसलिए कि अल्लाह ने फ़िक को असूल फ़िक यानी किताब सुन्नत उम्मत और कियास भी इनको क्या बनाया मशरूआत मशरूआत यानी अकायदो अहकाम का सरच्मा बनाया तो शराय और अहकाम के लिए अहकाम ये हुक्म की जमा हैक्म अलाह में ख़ाबल्लाम्ल बे अफ़आल मुक़ल्लफ़ीन इक्तिज़ान और तीर हुक्म अलाह में किसका नाम है अल्लाह का वो ख़िताब जो अफ़ले मुक़ल्लफ़ीन से अफ़ले मुक़ल्लफ़ीन से वाबस्ता है इक्तिज़ा के तौर पे या तीर के तौर पे अतलाह में हुक्म इसका नाम है और कभी हुक्म उस पर भी बोला जाता है जो अल्लाह के ख़िताब से साबित है अल्लाह के खिताब से अल्लाह के खिताब से साबित होने वाली चीज़ पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है जैसे किसी खिताब से वजूब का सबूत होता है किसी से हुरमत का सबूत होता किसी से इबाहत का सबूत होता तो वजूब हुरमत इबाहत हलाल हराम इन पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है हुक्म इस पर भी बोला जाता है अल मुख्तसर ख़िताब पर भी बोला जाता है और खिताब से साबित होने वाली चीज़ और बात पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है व्यक्वाल मासाव तमिन और अल्लाह के ख़िताब से साबित होने वाली चीज़ मसलन वजूब हरमत इबाहत वगैरह पर भी हिलत हरमत इस पर भी हुक्म का इतलाक़ होता है और यही माना यहाँ पर मुराद है कहाँ पर मबन लाइव यानी यानी हिलत हरमत हिलत व हरमत वजूब नदब इबाहत वग़ैरह यही माना मुराद है तो कहना क्या चाह रहे हैं हमद अल्लाह के लिए है जिसने असूल फ़िक को मशरूआत और व हिलत वजूब और हुरमत के लिए सरचश्मा बनाया वसासन लमिल हलाल हराम और हलाल हराम के जानने की बुनियाद बनाया किस को असूल फ़िक़ को तो फ़िक को अल्लाह रबुल्ज़त ने शरा यानि मशरूआत और अहकाम यानि वजुब हरमत वगैरह का सरच्मा बनाया और इम हलाल वो हराम की बुनियाद बनाया वसैर हा मुसा का तन बिलब्राहन व दलाइल और इनको को को और इनको मजबूत किया पुख्ता किया इनको पुख्ता किया बराह से और दलाइल से सही रहा अहकाम व शरा इनको यानि अहकाम और शराय को अहकाम और मशरूआत को मुआसका मजबूत बनाया पुख्ता बनाया समझ रहे हैं तोीक़ मजबूत किससे बराहम से और दलाइल से ब्राहीन जमा है बुरहान की दलाइल जमा है दलील की दलील किसे कहते हैं उस मालूम तस्दीकी को कहते हैं जो मजहूल तस्दीकी तक मौसल हो मसल हमारा कौल अल-आलम मतगैर हादिस ये दलील है ये दलील है इसलिए कि ये वो मालूम तस्दीकियाँ हैं जो एक मझोल तस्दीकी अलम हादिस तक मुसिल है तो दलील किस का इतलाक़ किस पर होता दलील व मालूम तस्दीकी है जो मजोले तस्दीकी तक मुसिल हो और बुरहान जिसकी जमा बराहीन है ये बुरहान किस चीज़ का नाम है तो बुरहान दलील ही की एक किस्म है तो गोया दलील मकसिम और बुरहान किस्म और आपको खूब पता है अकसाम किस्म और मकसिम के दरमियान उमसूस मतलब की नस्बत होती है मकसिम आम होता और किस्म ख़ास होती यानी दलील आम है और बुरहान ख़ास है तो कहते हैं बुरहान दलील ही की एक किस्म है दलील ही की एक किस्म है बुरहान उस दलील का नाम है जो यकीनियात से मुरक्कब हो बुरहान किसे कहते हैं उस दलील को कहते हैं जो यकीनियात से मुरक्कब हो तो जब ऐसा है जब ऐसा है कि दलाइल दल, दलाइल आम और बराहीन ख़ास तो दलाइल का ज़िक्र बराहीन के बाद ये आम का ज़िक्र करना ख़ास के बाद हुआ कहते हैं कि दलाइल का ज़िक्र बराहीन के बाद ये आम का ज़िक्र करना ख़ास के बाद है ठीक है या यूँ कहा जाए या यूँ कहा जाए कि मुराद बराहीन से कि इन मशरूआत और अहकाम को पुख्ता किया बराहीन से और दलाइल से ऐसा भी हो सकता कि शर की मुराद बराहीन से अदिल अकलिया तो अब माना ये कि मशरूत और अहकाम को मजबूत बनाया अदिल अकलिया से और दरा दलाइल से मुराद अदिल नकलिया यानी किताबो सुन्नत किताबो सुन्नत तो ऐसा भी हो सकता कि बराहीन से मुराद दलाइल अकलिया और दलाइल से मुराद दलाइल हो ऐसा भी मुराद लिया जा सकता है तो जिसने मशरूत और अहकाम को मजबूत किया बराहीन और दलाइल से वह बिल बिलहली व शमाइल और उसे आरास्ता किया ज़ेवरात और उम्दा शक्लों से उनको उनको किन को वही जिनकी बात चल रही मशरूआत तो अहकाम शराय और अहकाम और उन्हें आरास्ता किया उन्हें सजाया जेवरत और अच्छी सूरतों से मुआशा तवशीश कहते हैं हमायल दरगर्दन गर्दन वो आराइता दन होली ये हिलिया की जमा है होली किसकी जमा है हिलिया की जिसके माना जेवर के है और शमाइल खसलत के माने में है शक्लो, सूरत आदत के माने में है शक्ल के माने में है तो शायद होली मुआशता बिल होली व शमाइल शायद शारह की मुराद होली और शमायल से अदिल शर्या अकलिया हो या अदिल नकलिया हो ऐसा भी मुमकिन है फिर से तर्जमा देखिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने उसूल फ़िक को शराय और अहकाम का सरचस्मा और इल्म हलाल और हराम की बुनियाद बनाया और उनको शराय और अहकाम को मजबूत किया पुख्ता किया बराहन दलाइल से और आरास्ता किया संवारा और सजाया जेवरा जेवरात और अच्छी सूरतों से वसला तो अला से दिना मोहम्मदन लजी अजरा हाजिर रसूम और सलात तो सलाम नाजिल हो मैं इस लफ्ज़ पर भी गुफ्तु नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगले सफ़े पर शारे ख़ुद गुफ्तु करने वाले हैं इस पर इसलिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए सलात पर भी गुफ्तु आ रही है अगले सफ़े में खुद शारे की ज़बानी वसलात वसलाम अला से और सलाम नाजिल हो हमारे आका मोहम्मद पर हमारे सरदार मोहम्मद पर जिन्होंने इन रसूम को यानी शरह के इन रसूम को इन असूल को क़्यामत तक के लिए रोज़ जजा तक के लिए नाफिस किया व्यदल बिलआदिलमदीन और की तइद फरमाई को कुवत बख्शा मजबूत कुवत के ज़रिए से यदा ये दो बख्शना कुवत देना मदद करना उलमा की मदद फरमाई मजबूत कुवत के ज़रिए से मजबूत कुवत के ज़रिए से मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फ़रमान अल उलमा वरसतुल वसतलम्बिया और उनके दर्जात को आला अला में बलन फ़रमाया व बिल बिलफ़ला वल यकीन और के लिए फलाहु यकीन की गवाही दी व व वाली वहादीन अमहदीन और सलात सलाम नाजिल हो आपकी आल पर और आपके हदायत याफ़्ता याफ्ता सहाबा पर आपकी आल पर और अब पर जो हदायत याफ्ता रहबर रहनुमा हैं व तबईम और और ताबईन पर ताब इन पर साहबी जिन्होंने नबी करीम अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में देखा और ताबी वो जिन्होंने सहाबी को देखा कहते हैं और सलाम नाजिल हो ताबीन पर और तब तबिन यानि यानी माए मुशतन पर अ माए मुशतिन पर तमदरस अलियम वाख रुदावानाद्लबीअमी